की पावन धरा महादेव की नगरी आगरा के कोठी मीना बाजार में हृदय की गहराइयों से आगरा की जनता जनार्दन की ओर से हार्दिक स्वागत। सब लोग मत जाओ, बैठो ना भैया। अब मैं मंच पर उपस्थित नारी शक्ति का आह्वान करती हूँ कि वो आए और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चुनरी उड़ाकर माँ केला देवी का प्रतीक चिन्ह देकर पूरे आगरा की बहनों की तरफ से स्वागत करें। जय श्री राम। सर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आतंकवाद और नक्सलवाद से भारत मुक्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश की जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाताकत के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, मैं आज आपके पास विशेष रूप से आया हूं। मैं पहले भी आता हूं, आता रहा हूं, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं, लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था, लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे बताइए, अगर भारत विकसित होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होता है तो आपके परिवार का भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होगा तो आपके बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा? और इसलिए भी देश एकजुट होकर कह रहा है, फिर एक बार साथियों, भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती। अब जैसे यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये देश की सेना के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, दुनिया में निर्यात के लिए घातक अस्त्र और शस्त्र बनेंगे। लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल हैं, जो पुरानी सरकारों में घूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे, और पुरानी सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी ये मलाई खाने को मिलती थी, उनको भी मजा आता था, ऐसे सारे लोग
अब मोदी जब शस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, तो बौखला गए हैं, बहुत नाराज है। वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो मोदी के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। इन ताकतों को रोकने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार बीजेपी एनडीए सरकार लाना बहुत आवश्यक है। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी सबका साथ सबका विकास की है, लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी, वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है, तो 5 बीघा ही आपके बच्चों को मिलेगा, बाकी कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? जरा पूरी ताकतें बनाइए, मुद्दा बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। जाने देंगे? आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथियों, एससी